परिवर्तन का संकल्प दिलाने आए। इस दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार की देश में अगुवाई करने वाले आदरणीय जेपी नड्डा साहब मंच पर विराजे, हमारे प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी, हमारे चुनाव प्रभारी प्रहलाद जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब, आदरणीय वसुंधरा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र जी, कैलाश जी, यहां के सर्वप्रिय नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, भाई जौनपुरिया जी, तमाम मंच पर बैठे पार्टी के श्रेष्ठ और वरिष्ठ नेतागण, इस परिवर्तन के संकल्प को लेने आए। इस अमीर हट की धरा, त्रिनेत्र देव की धरा के गांव गांव ढाणी ढाणी से आए, मोतियों से महंगे किसान भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों और इस सरकार की बेरोजगारी से त्रस्त और लाचार नौजवानों, यह धरती अमीर हट की धरती है और अमीर हट की धरती से अब राजस्थान में जनहट चलेगा। और जनहट इसलिए चलेगा कि अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक किसान अपने उतरे हुए चेहरे से यह कहने आया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 4 साल 8 महीने पहले जिस सरकार ने कहा था कि हमें वोट दे दो आपका कर्जा माफ हो जाएगा, मैं मेरे 19,600 किसानों की पीड़ा लेकर आया हूं, उनकी जमीन ही नीलाम हो गई। एक बहन आई और यह कहने आई कि 0.5% के मत से जिस सरकार को हमने जन्म दिया उस सरकार ने इस पद्मिनी की धरती को, पन्नाधाई की धरती को, मीरा की धरती को कलंकित कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सुबह होती है शाम होती है, मेरे जैसी 17 अबलाओं की इज्जत लूटी जाती है, यह कहने आई। यह कहने भी आई कि आदिवासी क्षेत्र में दरियाबंद के अंदर पहाड़ा गांव में मेरी बहन को निवस्त्र खोके करके दबंगों ने सरे राह दौड़ाया, इस मानवता को लज्जित करने का काम किया, यह कहने भी बहन आई। एक नौजवान कहने आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बेरोजगारी भत्ता देने का वादा सरकार ने किया था, बेरोजगारी भत्ता दूर की कौड़ी साबित हुआ, एक के बाद एक 16 पेपर लीक हुए। इस वीक सरकार ने हमारे अरमानों को तोड़ा, नौकरियां लूटी गई, आरपीएससी के अंदर जिसको नामजद करते हैं मुख्यमंत्री जी बाबूलाल कटारा, वो पेपर की चोरी करते पकड़ा जाता है, मंत्री का दर्जा लिया है गोपाल केसावत जो पीसीसी के दफ्तर में चांदी का चरखा चलाकर सोने के तार निकालता है, 18.5 लाख में नौकरी बेचने करने के लिए पकड़ा जाता है। नौजवान ये कहने आया, हमारे अरमान लूटे गए इसलिए परिवर्तन की राह पर हम आपके हमराही होंगे। इसलिए भाइयों, मैं कोई लंबी बात नहीं कहूंगा पर यह जरूर कहूंगा कि राजस्थान शर्मसार हुआ है। दुष्कर्म की घटनाओं से एनसीआरबी के आंकड़े चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं 2020, 2021, 2022 में पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान दुष्कर्मों में एक नंबर पर, पूरे राजस्थान में एससी एसटी पर अत्याचार हुए हैं उसमें राजस्थान दूसरे नंबर पर, साइबर क्राइम में राजस्थान पहले नंबर पर,
और तो और पुलिस का इकबाल कैसा टूटा। विधानसभा में सरकार ने कहा 4 साल में 3000 बार पुलिस की पिटाई हुई। इसलिए भाइयों मैं तो यही कहूंगा कि अब इस परिवर्तन के आगाज में हम सब लोगों को बढ़ना है। इसलिए अंत में मैं यही कहूंगा, कहां गई कानून व्यवस्था, कहां गई कानून व्यवस्था। रक्षक बन बैठे हैं भक्षक, कई हत्या कई बलात्कार, कई माफिया का है अत्याचार। बस निकम्मी है सरकार, परिवर्तन अब की बार, परिवर्तन अब की बार। आओ परिवर्तन की राह पर चलें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाओ, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजस्थान में परिवर्तन आएगा। इस भ्रष्ट सरकार को हम इसको नष्ट नबूद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद माननीय राठौर साहब।